2 दिन पहले मुझे मोबाइल पे एक मैसेज आया, डियर कार्ड होल्डर, योर डोमेस्टिक और कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर डीएक्टिवेटेड। और जब ये मैसेज मुझे आया, मुझे पता नहीं ये मेरा क्रेडिट कार्ड का डीएक्टिवेट क्यों हुआ है, ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। और मैंने ट्राई किया कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो मुझे पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो डोमेस्टिक यूजेस एक्टिवेट करने के लिए 2 तरीके हैं। उनका एक एसएमएस है, वो एसएमएस में उन्होंने डिटेल्स दिए हैं, या आप वेबसाइट से कर सकते हो, या आपको एक एसएमएस भेजना है उससे भी कर सकते हो। बट वेबसाइट से एक्टिवेट करना मुझे ज़्यादा सेफ लगता है, इसलिए मैं वेबसाइट से कर रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो आपको ये काम आएगा। तो सबसे पहले आपका sbicard.com को लॉगिन करना है। यहाँ आपके पास 2-3 तरीके हैं लॉगिन करने के लिए। सो लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैनेज कार्ड यूजेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह आपको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस दिखेगा और यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दिखेगा। अभी ये है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, जो अभी डिसेबल है, इसलिए मैं कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाता। और ये दूसरा है POS, मींस आप शॉप में जाके कार्ड स्वाइप करते हो, ये वाला ऑप्शन है। और एक कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन भी मेरा डिसेबल है। ATM ट्रांजैक्शन मेरा एनेबल है, मींस आप ATM से, मुझे लग रहा है ATM से आप कुछ जो आपका लिमिट है उतना आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, ये वाला है। सो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, तो मैं इसे अब एनेबल करूँगा। ये मैंने एक्टिवेट किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। बस ये दो दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, जिसे मैंने अभी एक्टिवेट किया है। आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते, यहाँ तो सब कुछ डिसेबल है, बट आप कुछ अब्रॉड ट्रैवल करते हो तो आपको ये ऑप्शंस चेक करके ट्रैवल करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अब्रॉड जाके वहाँ आपको पता चला कि ये डीएक्टिवेट है, बट आप इसे एक्टिवेट कभी भी और कहीं से भी कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात रह गई, आपको यह एक्टिवेट करने के बाद यह अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और जीमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है आपको। और अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा, जो आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।